भीलवाड़ा नगर परिषद निकाय चुनाव के जो परिणाम आज जारी हो रहे हैं, 28 तारीख को जो मतदान हुआ, 31 तारीख को आज परिणाम जारी हो रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा से। और इनमें एक ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ जिनकी अभी अभी सूचना आई है और जिन्होंने 475 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय दर्ज किए, 8 नंबर के प्रत्याशी श्री गजेंद्र सिंह जी, इनकी आपकी धर्मपत्नी जी थी, इनकी धर्मपत्नी जी थी, और ये संतोष कंवर जी के जो धर्मपति हैं श्री गजेंद्र सिंह जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो हमारे साथ। आप कैसे देखते हैं इतनी बड़ी जीत को, आपकी जीत हुई? ये जो जीत है सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, जितने भी मजदूर महासंघ के जो कार्यकर्ता है, मजदूर जितने भी रिश्तों के लगे हुए मेरे साथ जी जान से, उनकी जीत है और सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जी जान से। गज्जू जी, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बैनर आपके पास नहीं है और निर्दलीय बैनर के तले लोगों ने आपको इतना विश्वास दिया है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। कैसे क्या जिम्मेदारी को निर्वहन करें? सबकी आकांक्षाओं को पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी जिनके साथ समर्थकों का अपार सैलाब है। मैं ये चुनाव बड़ा रोचक चुनाव है, ये चुनाव वार्डो का चुनाव है, अपने क्षेत्र का चुनाव है, लोगों ने अपने अपने अनुसार मत प्रदान किए। कुछ लोग आज हमारे साथ हैं, हम देखेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। भंवर सिंह जी सोलंकी जो खुद भी प्रत्याशी थे और आज वो यहाँ पर मौजूद है। हाँ भंवर सिंह जी, कैसे क्या वार्डों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं? तो क्या आपके वार्डों के परिणाम आए? हमारे वार्ड के परिणाम आ चुके हैं, हमने इनको निर्दलीय उतारा था, रामलाल जी को मावत को, वो 3 वोटों से विजय हो गई। चलिए बताइए आपको, और ये सब कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाई है। तो आप इनके उत्साह से अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर इनका उत्साह हिलोरे ले रहा है। इन्होंने कहा कि हमने जिस पार्टी जिस प्रत्याशी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा है वो प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो ऐसी वानगियां आपको कहीं देखने को मिलेगी। कुछ लोग और हमारे साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारा अच्छा सभापति बने और हम विजय बने। 69 वार्ड से राधेश्याम शर्मा सीता देवी, ये कांग्रेस के समर्थक थे, बोलना चाहते हैं चुनावों के लिए। चुनाव का जो परिणाम आज आ रहा है भीलवाड़ा के वार्डों का जो परिणाम यहाँ से जारी हो रहा है, आज क्या नाम आप? तो किससे ताल्लुकात रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से? इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से जनता उब चुकी है, निर्दलियों को समर्थन दे रही है। तो देखिए, ये बदलाव की बड़ी बयान है। दुष्यंत ने अपने शहर में कहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हाल ही सूरत बदलनी चाहिए। वैसे ही सूरत बदलने के लिए मतदाताओं ने मत दिया और परिणाम जानने के लिए आज यहाँ पर डटे हुए। मैं सीताराम सोनी के साथ संपादक खबर भीलवाड़ा, धन्यवाद।